इज़राइल हमास की जंग में अब पूरी तरह से रूस की एंट्री हो चुकी है और जो रूसी विदेश मंत्रालय है उन्होंने एक कहकर सबको चौंका दिया कि आतंकी संगठन हमास का एक प्रतिनिधिमंडल मॉस्को का दौरा कर रहा है और इसका नेतृत्व हमास के बड़े बड़े आतंकी में से एक मौसा मोहम्मद अबू मरजूक कर रहा है। खुद रूसी विदेश मंत्रालय ने इस दौरे की पुष्टि की तो वहीं हम इज़राइल के भी हमास के डेलीगेशन की मॉस्को पहुंचने का दावा किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है और दावा भी हो रहा है कि इससे पहले रूस के उप विदेश मंत्री कतर में हमास के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और इस दौरान दोनों के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर चर्चा हुई और ऐसे में संभावना है कि मॉस्को में भी बंधकों की रिहाई पर चर्चा हो सकती है। तो रूस पहुंचा है हमास का डेलीगेशन तो वहीं इसराइल ने भी हमास की डेलीगेशन की मॉस्को पहुंचने का दावा किया। खुद रूसी विदेश मंत्रालय ने इस दौरे की पुष्टि कर दी है।